तुर्की के ड्रोन का मालदीव आना यूं ही नहीं है, भारत के डोर्नियर विमान से पीछे हटने की तैयारी में है। मुइज्जू राष्ट्रपति बनते ही मुइज्जू ने भारत विरोधी रवैये को लागू करना शुरू कर दिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले उन्होंने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने को कहा था। सैनिकों के हटने पर भारत के साथ सहमति के बाद अब मुइज्जू भारत के विमानों को भी रिप्लेस करना चाह रहे हैं मालदीव का राष्ट्रपति बनने के साथ ही चीन परस्त मोहम्मद मुइज्जू हिंद महासागर में स्थित इस द्वीपीय देश की सैन्य ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। मालदीव ने तुर्की से सैन्य ड्रोन विमान को लेकर डील की थी, जिसकी पहली खेप मालदीव पहुंच गई है। इन ड्रोन विमानों का इस्तेमाल मालदीव भारत से लगती समुद्री सीमा की निगरानी में करेगा। मालदीव में तुर्की के ड्रोन के आने को भी भारत से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इन ड्रोन को मुइज्जू इसलिए लाए हैं ताकि भारत के डोर्नियर विमानों को इससे रिप्लेस कर सकें। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद मोहम्मद मुइज्जू ने पहला दौरा तुर्की का किया था। इसके पहले मालदीव के सभी राष्ट्रपति अपना पहला दौरा सबसे करीबी दोस्त भारत का किया करते थे। तुर्की जाने का परिणाम बाद में 3.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ड्रोन डील के रूप में आया, जिसकी पहली खेप बीती 3 मार्च को मालदीव में पहुंची है। हालांकि इन ड्रोन की संख्या कितनी है यह अभी स्पष्ट नहीं है। तुर्की से आए इन सैन्य उपकरणों को नूनू माफारू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखा गया है और अगले सप्ताह इनका संचालन शुरू करने की उम्मीद की जा रही है। भारत के डोर्नियर विमानों की जगह लेंगे ड्रोन। तुर्की से ड्रोन विमान ऐसे समय में मालदीव पहुंचे हैं जब मालदीव की सरकार ने वहां मौजूद भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए डेडलाइन दे दी है। ये सैन्य अधिकारी मालदीव की सेना को प्रशिक्षण देने के अलावा भारत की तरफ से मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF को उपहार में दिए गए ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमानों के संचालन और रखरखाव के लिए वहां मौजूद थे। इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग द्वीप समूह राष्ट्र के विभिन्न द्वीपों से मरीजों को माले के अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए किया गया था, जिससे अब तक 500 से अधिक लोगों की जान बचाई जा चुकी है। वहीं डोर्नियर ने मालदीव की सेना द्वारा संदिग्ध जहाजों, बंदूक और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ टोही उड़ाने भरी। लेकिन मुइज्जू को भारत के ये उपहार खटक रहे हैं और इन्हें तुर्की के ड्रोन से रिप्लेस करने की योजना है। तुर्की के ड्रोन क्यों हैं? खास पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने ड्रोन इंडस्ट्री में अपनी बादशाहत कायम की है। ये सशस्त्र और बिना हथियार वाले दोनों तरह के ड्रोन के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में सामने आया है। ड्रोन के निर्माण में तुर्की की दो अग्रणी कंपनियों में एक बायकर डिफेंस है, जिसका स्वामित्व तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयर एर्दोगन के दामाद के पास है। वहीं दूसरी तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, जो तुर्की की सैन्य संस्था के स्वामित्व वाली कंपनी है। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।